नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार की राजनीति में लालू यादव का अगर नाम नहीं आया तो ये राजनीति जो है आगे नहीं चल सकता है। यानी कि ये बातें हमेशा से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये लगातार दोहराते आ रही है। लेकिन लालू यादव बाहर आने वाले थे, यानी कि बिहार में अपना कदम रखने वाले थे। इसके लिए उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई हुई थी। फिलहाल लालू यादव जो है रांची के होटवार जेल में बंद है और जो है अपने स्वास्थ्य का जो मसला है उनको लेकर के अभी रिम्स में एडमिट है और वहां के अस्पताल अधीक्षक के जो बंगला है उनपे वो अपना जो है आवास बनाए हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि आज जो है यानी कि 11 सितंबर को लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन अब जो है ये याचिका जो है ये खारिज हो गई है, यानी कि ये सुनवाई जो है ये टल गई है। अब जो है ये सुनवाई आज के बजाय अब जो है 9 अक्टूबर को, करीब एक महीने बाद जो है सुनवाई होगी। ऐसे में ये खबर जो है लालू यादव के समर्थकों के लिए थोड़ा सा मायूस करने वाला हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लालू यादव जो है फिलहाल चारा घोटाला के मामले में जो है सजायाफ्ता है, रांची के होटवार जेल में बंद है। ऐसे में जो चैबासा कोषागार से अवैध निकासी का जो मामला था उसको लेकर के उन्होंने जो है जमानत याचिका की गुहार लगाई थी। इसी मामले में सुनवाई होनी थी, आज जो है तारीख भी तय थी, यानी कि 11 सितंबर को सुनवाई होना था। और इस ये जो बातें हैं भारत लाइव की टीम ने आज आपको सुबह सुबह भी बताई हुई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, रांची हाईकोर्ट ने जो है सुनवाई की जो तारीख है उसे टाल दिया है। यानी कि अब जो है पिछले बार भी जो है सुनवाई की तारीख टाली गई थी, उस समय ये दलील दिया गया था कि सीबीआई के जो वकील है वो अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सुनवाई होनी थी उस समय भी टाल दिया गया था। तो अब एक फिर से एक बार बड़ी खबर आ रही है कि रांची हाई कोर्ट ने जो है लालू यादव की जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी थी उसे टाल दिया है। यानी कि अब जो ये सुनवाई है अक्टूबर में होगी और 9 तारीख को होगी, इसको लेकर के नई तिथि जो है निर्धारित की गई है। फिलहाल जो राजद के यहाँ के कार्यकर्ता है, बिहार के कार्यकर्ता है, उनके भीतर से ये खबर आ रही है कि जो सरकार जो है जो लगातार कोर्ट पे दबाव बनाई हुई है वो चाहती नहीं है कि लालू यादव बिहार चुनाव में जो है वो साथ रहे। यानी कि लालू यादव बिहार चुनाव से पहले बाहर नहीं निकले, ऐसा सरकार चाहती है, ऐसा राजद के कार्यकर्ता जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस